नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान। मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपका इंश्योरेंस एजेंट आपको पॉलिसी बेचते वक्त वो आपका भला सोचता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं। अमूमन जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो पॉलिसी बेचते वक्त आपका भला नहीं सोचता है, वो खुद का भला सोचता है, ठीक है। और उसका पूरा फोकस होता है कि आपको मनी बैक पॉलिसी सेल की जाए। जबकि मनी बैक पॉलिसी जब हम खरीदते हैं तो हमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमें मनी बैक पॉलिसी नहीं खरीदनी चाहिए, हमें टर्म प्लान खरीदनी चाहिए। इसको लेके मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप हमारा वो वीडियो भी देख सकते हो। तो इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है कि वो हमेशा मनी बैक पॉलिसी बेचने पे ज़्यादा उसका जोर होता है, ज़्यादा फोर्स आपको लगाता है वो मनी बैक पॉलिसी बेचने के पीछे, ठीक है। जबकि मनी बैक पॉलिसी में हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। अब फ्रेंड्स देखिए, इंश्योरेंस एजेंट ऐसा क्यों करता है कि वो मनी बैक पॉलिसी ज़्यादा बेचने की कोशिश करता है और टर्म प्लान आपको बताता नहीं है, तो टर्म प्लान आपके सामने लेके नहीं आता है। तो इसका बड़ा कारण एक है कि कमीशन। मनी बैक पॉलिसी में इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि मनी बैक पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है ना, ज़्यादा होता है। अमूमन मनी बैक पॉलिसी में प्रीमियम हम ज़्यादा पे करते हो, टर्म प्लान में प्रीमियम कम पे करते हो। तो जितना ज़्यादा प्रीमियम पे करोगे उतना ज़्यादा कमीशन उस इंश्योरेंस एजेंट को मिलता है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी बैक पॉलिसी सेल करने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल भी जाने कि आपको किस पॉलिसी की ज़रूरत है। हमें अमूमन टर्म प्लान की ज़रूरत होती है, मनी बैक पॉलिसी की ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी वो मनी बैक पॉलिसी ज़्यादा बेचने की कोशिश करता है। ये पहला बड़ा कारण कि कमीशन ज़्यादा मिलता है मनी बैक पॉलिसी में। दूसरा कारण इसमें ऐसा है कि टारगेट्स, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स देती है, रेवेन्यू का टारगेट देती है। अब वो रेवेन्यू का टारगेट पूरा करने के लिए इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है कि मनी बैक पॉलिसी ज़्यादा बेचता है, ठीक है। अगर वो टर्म प्लान बेचेगा तो उसका रेवेन्यू काफ़ी कम काउंट होता है, बट अगर वो मनी बैक पॉलिसी बेचेगा तो रेवेन्यू ज़्यादा काउंट होता है, क्योंकि प्रीमियम उसमें ज़्यादा मिलता है मनी बैक पॉलिसी में। इसके अलावा जो है कि मार्च में आप देखोगे तो ज़्यादा ही प्रेशर एम्प्लॉय को दिया जाता है, क्योंकि मार्च जो होता है कि ईयर एंडिंग होता है, हर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो ऐसे में हर कंपनी क्या चाहती है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में क्लोज करें। तो इसके लिए फिर कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा टारगेट देती है, और ज़्यादा टारगेट पूरा करने के लिए फिर एम्प्लॉय मनी बैक पॉलिसी क्लाइंट्स लोगों को ज़्यादा बेचते हैं। मार्च में ज़्यादा होता है ये चीज़। इसके अलावा कंपनी और क्या करती है कि कॉन्टेस्ट लेके आती है समय समय पर। इंश्योरेंस कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए कॉन्टेस्ट लेके आती है। तो कॉन्टेस्ट कुछ ऐसा होता है कि अगर आप इतना इतना इंश्योरेंस सेल करोगे तो हम आपको सिंगापुर घुमाने लेके जाएंगे, इतना सेल करोगे तो हम आपको स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे, पेरिस लेके जाएंगे। तो इस तरीके के कॉन्टेस्ट होते हैं। तो कॉन्टेस्ट का एक लालच दिया जाता है एम्प्लॉय को, ठीक है, और मोटिवेशन भी होता है कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के लिए काम करने के लिए। तो वो कॉन्टेस्ट को एम्प्लॉय अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मनी बैक पॉलिसी सेल करते हैं, ताकि वो कॉन्टेस्ट को जीत सके, ठीक है। टर्म प्लान बेचेंगे तो कॉन्टेस्ट को जीतने में बहुत उन्हें प्रॉब्लम होगी, बहुत उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टर्म प्लान बेचना पड़ेगा। जबकि मनी बैक पॉलिसी में प्रीमियम ज़्यादा होता है, थोड़ा सा भी उन्होंने एफर्ट लगाया और ज़्यादा थोड़ा बहुत उन्होंने मनी बैक पॉलिसी बेच दी तो उनका कॉन्टेस्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़े कारण होते हैं। अमूमन इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं कि जो पॉलिसी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो आपको बताते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर वो नेगेटिव पॉइंट्स आपको बता देंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिसी शायद नहीं लोगे। इसीलिए वो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, आपको पॉलिसी बेचते हैं और चले जाते हैं, बस उनका काम खत्म। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम पॉलिसी खरीद लेते हैं, चाहे मनी बैक पॉलिसी लिए या फिर टर्म प्लान लिए, तो पॉलिसी खरीदने के बाद में पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आते हैं कंपनी के तरफ से, ठीक है। जिस दिन आपके पास में डॉक्यूमेंट आए कंपनी की तरफ से, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को कबर्ड में ले जाके बंद कर देते हैं सालों साल के लिए। हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला काम तो उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को हमें रीड करना चाहिए, सारी चीज़ें रीड करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट ने जो हमें बताया था सच में वही सारी बातें उस पॉलिसी में लिखी है या फिर उससे कुछ अलग लिखा हुआ है, ये हमें टैली करना चाहिए, ठीक है। और हमें अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार, इंश्योरेंस एजेंट ने तो कुछ और ही बताया था पॉलिसी में, तो कुछ और ही लिखा हुआ है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पॉलिसी, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस पॉलिसी के साथ में, तो IRDA का रूल है आप 10 से 15 दिन के अंदर में, मतलब कोई कंपनी 10 दिन देती है, कोई कंपनी 15 दिन देती है, उसे बोला जाता है फ्री लुक पीरियड। आप क्या कर सकते हो, उस फ्री लुक पीरियड में अपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उस पॉलिसी के साथ में सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकते हो। जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है, सारा प्रीमियम 100% विदाउट एनी पेनल्टी आपको रिफंड हो जाता है। बट ये चीज आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव्ड होने के 10 से 15 दिन के अंदर में करना पड़ता है। अगर वो फ्री लुक पीरियड खत्म हो गया, 10 से 15 दिन खत्म हो गए, फिर उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हो, पॉलिसी आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब भी म्यूचुअल फंड एजेंट आपके पास में पॉलिसी बताने आए तो उससे 2-4 सवाल आप पूछिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि टर्म प्लान लीजिए, मनी बैक पॉलिसी मत लीजिए। क्यों नहीं लेना चाहिए मनी बैक पॉलिसी, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।
ठीक है, तो ध्यान रखिए। और म्यूचुअल फंड एजेंट का तो काम ही है ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, क्योंकि उसे अपना बिजनेस करना है, रेवेन्यू करना है, उसे टारगेट्स करना है, ठीक है। बट हमारे लिए क्या सही है, हमें वो चीज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।